हल्का सा ऊपर से नीचे आए हैं अमेरिकी फ्यूचर्स, बट अदरवाइज कोई खराब एक्शन नहीं है। 1 से 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार दिख रहे हैं, तो वहां पर भी पॉजिटिविटी है। एशिया के बाजारों में हमने देखा 3.25% ऊपर हांगकांग था, जो चाइना हांगकांग के ट्रैवल के बीच में रिस्ट्रिक्शंस हटाई जा रही हैं, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप देख रहे हैं। बट उसके सामने 1.5% नीचे जापान के बाजार थे, क्योंकि कल वो छुट्टी पर थे। बट नंदलेस थोड़े मिले जुले ग्लोबल क्यूज है। अमेरिकी फ्यूचर्स और यूरोप काफी मजबूत दिख रहे हैं इस समय, रुपया भी स्टेबल है। क्या राय है सर का जो मूव है ऊपर नीचे वाला, वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट सुधर गए तो आज हमारे मार्केट बहुत हल्के हो गए, कल जोर से कूद जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ वो भी समझ लीजिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.10 था, 0.63 आ गया। इतना कम 47 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो आपका कम हो गया। आप सोचो इतनी पोजिशन है। निफ्टी का 1.06 से 0.71, यानी कि 25-26 बेसिस पॉइंट ये गए। तो इसलिए आज पोजिशन काफी हल्की हो गई लॉन्ग साइड पे, इसलिए कल जरा भी संकेत अच्छा है तो कूदने में भी टाइम नहीं लगेगा, और खराब आए और आज आपकी क्लोजिंग खराब हुई तो फिर आपका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ। इसलिए लिमिटेड रखें, ये सोच के पोजीशन रखें कि अगर मेरे रिवर्स गई कल तो मेरी कितनी ताकत है, बस वो जाएंगे। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है दीप, एक तो ये कि 3 बजे तक आप 18,000 के नीचे ना जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 18,000 के नीचे जाकर आज 18,000 के नीचे बंद होने की कोशिश करते हैं तो मामला बड़ा गड़बड़ होगा, तब आप 17,800 पर नहीं रुकेंगे, उसके नीचे जाएंगे। पहली चीज ये, इसलिए पहली तो ये 18,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, जिसकी संभावना वैसे कम दिखती, क्योंकि 96 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 18,000 पर है, हाईएस्ट है, रुकना चाहिए। दूसरी चीज जो है 18,100, लगातार 6 दिन से आप इसके ऊपर बंद हो रहे हैं। अगर आज फिर से 18,100 के ऊपर बंद हो जाते तो आप उतने बुरे नहीं है। ये दिन के दौरान के करेक्शन है, वो चलते रहेंगे, कभी भी ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो आप इसको एक रनिंग करेक्शन मानकर कल के लिए इंतजार करेंगे कि वाकई में अमेरिका आज फेड की मीटिंग के मिनट्स पढ़ने के बाद क्या संकेत देता है। वाकई में डाउ जो 80-100 पॉइंट ऊपर है उतना होता है कि 300-400 ऊपर हो जाता है, 300-400 घट जाता है, किसी को पता नहीं। करेक्ट, 80-100 पॉइंट ऊपर जो है उससे बहुत ज्यादा कंफर्ट या डिसकंफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। डाउ आज क्या होगा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश ना करें। हमारी कोशिश सिंपल यही रहेगी कि हमारी जो पोजिशन है उस पर रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपको ओवरनाइट कितनी रखनी है, किस लेवल पर बंद होने के बाद। इसलिए अभी से ज्यादा 3:30 बजे 3:20 की स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि जिस लेवल के आसपास हम बंद होने जा रहे हैं उसमें हमें कितनी पोजिशन तेजी या मंदी की अगले दिन के लिए, यानी कि कल के लिए कैरी करनी है या नहीं। सो 18,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं सेफ है, 18,000 के नीचे बंद हो रहे हैं तो रिस्क खुल जाती है। इवन 18,100 के नीचे भी खुलती है, 18,000 के नीचे तो बहुत ज्यादा खुल जाती है। इसलिए पॉइंट नंबर 1, 18,100 के ऊपर बंद हो पाएंगे मुश्किल है, असंभव नहीं, क्योंकि 18,100 के कॉल पर 1,15,00,000 शेयर है, पुट पर भी 70 लाख शेयर है, तो उस लेवल के आसपास इसीलिए वहां आते देखिए थोड़ा सा रुके हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो बजाय इसके कि डायरेक्शन लगाने के, मैं आपको सिंपल ये चीज दे रहा हूँ, 18,100 18,000 ये दो लेवल पर नजर रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 43,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का 52 लाख शेयरों पर, आप ऑलरेडी उसके नीचे जाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो 3 बजे तक आपको 43,000 को होल्ड करके रखना है, इसके ऊपर बंद होना है। अगर 43,000 के ऊपर बंद हो रहे तब तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं, 42,800 भी आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लेते तो उतने बुरे नहीं है, 42,800 के नीचे बंद होने पर समस्या ज्यादा होगी, तब आपको बैंक निफ्टी में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी लॉन्ग पोजिशन है तो हल्की करके जाना है, ये चीज क्लियर है। ऊपर में अगर घूम फिरकर 42,300 इसके आसपास बैंक निफ्टी मिलता है वहां पर आपको अपनी पोजिशन हल्की करनी चाहिए, 42,300 के आसपास आने पर आप थोड़े हल्के हो सकते हैं, सिंपल यही फॉर्मूला। तो अभी लेवल्स का इंतजार करें, ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें, फ्रेश पोजिशन ना बनाएं, जो बनी हुई है उसको समेटने की कोशिश करें।